अंधकार को चीरते हुए भारतीय जनता पार्टी का प्रकाश आएगा। जो मोदी जी ने कह दिया वो कह दिया, 400 पार है और 400 पार रहेगा। क्लियर है, साफ है, स्पष्ट है, अब की बार मोदी सरकार 400 पार। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में इस समय चर्चाएं जोरों पर हैं और ये प्रयागराज का ये इलाका है, अल्लाहपुर का सर्वोदय नगर और ये फूलपुर संसदीय क्षेत्र सीट में आता है। यहाँ पे जो रहने वाले वोटर हैं उनसे हम बात करेंगे कि इस बार जो लोकसभा चुनाव है किस तरह का व्यक्ति प्रधानमंत्री होना चाहिए। क्या इस बार दिमाग में आप लोगों को चल रहा है? आप तो ऐसे ही बीजेपी से हैं। बिल्कुल तो क्लियर है, साफ है, स्पष्ट है, अब की बार मोदी सरकार 400 पार, इसमें कोई संदेह नहीं है। जन जन की आवाज़, मोदी है हमारी अब की बार। मोदी जी क्यों, लोग इंडिया गठबंधन तो कह रहा है कि बेरोजगारी और महंगाई के नाम पर जो सरकार फेल है इस बार। देखिए, ये जनसंख्या इतना विराट है, इतने फैली कोई भी सरकार, अगर बेरोजगारी की बात करते हैं तो ये कभी कोई भी सरकार आ जाए हर व्यक्ति को रोजगार नहीं दे सकता, ये कड़वी सच्चाई है। आज के समय में हम लोग बच्चों को भी इसलिए तैयार भी कर रहे हैं कि उनके मन में हताशा ना हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आबादी बढ़े, इसको माने और इसके लिए तैयार रहें। हर हाथ को रोजगार देने का काम हो रहा है, बेरोजगारी की बात कहाँ है। आप इतने सक्षम बन रहे हैं मोदी जी, हमारे महिलाओं को हो या युवाओं को इतना सक्षम बना रहे हैं कि आप खुद दूसरों को काम देने लायक बन जाएंगे, इसमें बेरोजगारी की कोई बात नहीं। हर आदमी सशक्त है, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो या युवा हो, और हर कोई हर के हाथ में काम है, तो बेरोजगारी का कोई औचित्य नहीं। विरोधी जो उठाते हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो विधवा विलाप करते हैं। मोदी जी ने बोला है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो आपके घरों में रखा सोना, दो मकान अगर आपका है शहर में गांव में, तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन की जब सरकार अगर बनती है भूलबस तो वो लोग लेने का काम करेंगे। कितना सही मानती है इस तरह का बयान? ये तो हो सकता है कि वो अगर कांग्रेस और उसकी सरकार बने तो हो सकता है कि वो कर सकते हैं, लेकिन अगर मोदी सरकार है तो हम सेफ हैं, उनकी सरकार में ऐसा नहीं होगा, ये विश्वास है। अच्छा, ये महंगाई को लेकर क्या कहेंगी, सिलेंडर वगैरह और भी चीज़ें, तेल उल महंगी है, महंगाई के मामले में सरकार क्या कहेंगी, क्या कहेंगी इस बार जो मोदी जी का नारा है 400 पार, कितना सही मान रहे हैं कि 400 पार हो पाएंगे मोदी जी? देखते हैं, वैसे कोशिश तो सभी की है और हम सभी अपने अपने लेवल पे कोशिश करेंगे कि आएंगे तो मोदी जी ही आएंगे, और हम सभी इसमें पूरी कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से हम अपनी कोशिश करेंगे और आएंगे तो मोदी जी। प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी जी को कितना सही मानती हैं, क्या किया मोदी जी ने 10 सालों? 10 सालों में देखा जाए तो हर एक फील्ड में उन्होंने काम किया है, और रोड से लेकर के, एजुकेशन से लेकर के और एम्प्लॉयमेंट से लेकर के। देखिए, जैसा कि अभी संयोजिका जी ने बताया कि सभी को एम्प्लॉयमेंट देना तो पॉसिबल नहीं है, बट वो एम्प्लॉयमेंट ना दे करके वो सबके हाथ में एक कह सकते हैं कि एक कला दे रहे हैं। तो अगर हम इसको एक पैसिव वे में देखें तो ये एम्प्लॉयमेंट, ये एक मेथड ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही है, क्योंकि अगर हमारे हाथ में कला है, जैसे अभी आपने देखा कि जूट का इतना चल रहा है और मूंज चल रहा है, ODOP चल रहा है, तो ये क्या है कि ये हमारे हाथों में एक कला दी जा रही है। तो अगर हम इसको इस तरह से देखते हैं कि हमारे हाथों में कला है तो हम अपना जीविकोपार्जन हमेशा कर सकते हैं। हमारे पास चाहे एक परमानेंट जॉब हो, चाहे हमारे पास एक प्राइवेट जॉब हो ना हो, वो एक पार्ट ऑफ है, बट अगर हमारे हाथ में कला है तो विल डेफिनेटली सर्वाइवल ऑफ आर लाइफ। क्या कहेंगे आप? हर इंसान घर बैठे हर चीज़ पाना चाहता है, तो फिर वो महंगाई तो आनी आनी है। पहले हर इंसान बाहर निकल के करता था तब पाता था, तो उसमें मेहनत ज़्यादा होती थी, पैसा कम लगता था। अब सब घर बैठे ही सोचते हैं कि हमको हर चीज़ अवेलेबल हो जाए तो क्या होगा, तो महंगाई तो बढ़ेगी, उसमें मोदी सरकार की कोई कमी नहीं। लोग कह रहे हैं कि जो गठबंधन की भी लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है, बच्चों का भविष्य खतरे में डाल रही है योगी सरकार, मोदी तो सरकार। पेपर लीक हो रहा है तो मोदी सरकार, योगी सरकार के हाथ में तो पेपर था नहीं कि वही बांट दिए। नीचे कितने कर्मचारी हैं, क्या कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, उनके ऊपर एक इंसान कितने के ऊपर नजर रखे? रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, कह रहे हैं विपक्ष का। रोजगार सब दे रहे हैं, सब मिलेगा चाहे जो हो, इसमें कोई बात नहीं है। क्या नहीं मानती कि महंगाई बढ़ी है? नहीं, महंगाई तो बढ़ी है, अपने जगह पर है, लेकिन कुछ चीजें सुविधा भी तो दिया गया है सभी को। हाँ, और भाई सभी फायदा उठा रहे हैं, और राशन भी फ्री दिया है उन्होंने, अभी भी है राशन फ्री दे रहे हैं,
क्या कहेंगे आप लोग, देख रहे हैं जनसंपर्क भी कर रहे हैं और ये फूलपुर संसदीय क्षेत्र का इलाका है, कितना मान रहे हैं कि 300 पार 400 पार का जो नारा है वो सिद्ध साबित होगा आप लोग? देखिए तीसरे चरण का चुनाव कल खत्म हुआ है और विपक्ष इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से 400 सीट से पार निकल रही है और पूरे तरीके से इनका जो एक जंजाल विपक्ष का फैलाया गया था, नरेटिव झूठा चलाया गया था, चाहे वो जातिवाद का हो, चाहे वो राष्ट्र खतरे में हो, चाहे संविधान खतरे में हो, देश की जनता इस बात को अच्छे से समझ गई है, विपक्ष की बातों को पूरी तरीके से समझ गई है और राष्ट्र की जनता पूरी तरीके से विपक्ष को बगल कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी अंधकार को चीरते हुए भारतीय जनता पार्टी का प्रकाश आएगा, याद रखिएगा। और 4 जून को प्रचंड बहुमत के सरकार के साथ राष्ट्र के लोगों का सीना 56 इंच का होगा और याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, ये बार बार मोदी सरकार होगा और एक नया राष्ट्र, एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। आने वाला समय भारत के प्रकाश का होगा, आने वाला समय विकसित राष्ट्र का होगा, प्रति व्यक्ति इनकम निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी दुगना तिगना चौगुना समय के साथ करने का पूरा कार्य भी करेंगे। भाई मोदी ने तो अनाउंस कर दिया है कि सबकी बात 400 पार और मोदी ने कह दिया है, मोदी जी का 10 साल आपने देखा काम विकास, सुनिए मोदी ने कह दिया कि अगर 400 सीट नहीं आएगी तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, योगी बनेगा। तो योगी बनेगा तो मतलब समझते हैं आप, ना जेल ना बेल, सीधा प्रभु से मेल। क्या अच्छा अच्छा काम हुआ मोदी जी के राज में, क्योंकि आप बीजेपी अच्छा, से जुड़े हुए हैं, सब अच्छा ही अच्छा काम हुआ है मोदी जी। गिनाइए तो कुछ बताइए। अरे सब देख ही रहे हैं आप, राशन मिल रहा है पब्लिक को, सब फ्री का राशन मिल रहा है, निःशुल्क, और आयुष्मान भारत योजना हमारे मोहल्ले में ही लगी है, सबको निःशुल्क दवाएं। गठबंधन तो कह रहा है आपकी मोदी को बनने नहीं देंगे और जो चाहिए नारा दे रहे हैं, नारा हवा हवाई होगा इंडिया गठबंधन। सारे सारे विपक्षी मिलकर मोदी को जिता रहे हैं इस बार। क्या कहेंगे पार्षद जी, कितना 400 पार के नारे में इस बार दमदारी रहेगी? जो मोदी जी ने कह दिया वो कह दिया, 400 पार है और 400 पार रहेगा और देश का विकास जो है जिस तरीके से हुआ है, क्षेत्र का विकास जिस तरीके से हुआ है, मैं तो पार्षद होने के नाते कह रहा हूँ कि मेरे क्षेत्र में आज चुनाव आयोग का मामला नहीं थे, सड़क अब तक बन गई होती, सारी सड़कें और सारी चौड़ीकरण करके उसको बनवा करके, मतलब कि जनता के हित के लिए जो भी विकास कार्य हो रहा है सारा मोदी के समय में ही हो रहा है, कभी कांग्रेस के समय में या सपा के समय में नहीं हुआ। आलोपी बाग में एक ओवर ब्रिज बना था, उस समय अखिलेश की सरकार थी, वो इस तरीके का बन गया कि जो बना है वो ना बना होता तभी अच्छा था, क्योंकि उस पर गाड़ी चढ़ ही नहीं पा रही है, चढ़ रही तो घूम नहीं पा रही है, तो उसके लिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया, उसके बगल में नया ओवर ब्रिज बन रहा है और 2-3 महीने में बन जाएगा। बोल रहे हैं कि विकास तो बहुत हुआ है, लेकिन जो प्रतियोगी छात्र हैं और भी जो लोग तमाम तैयारियां करते हैं वो नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी को वोट नहीं देंगे। क्यों? वो कह रहे हैं कि सड़कों पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है, पेपर लीक हो रहा है। ठीक है, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, मैं इससे बहुत ही प्रसन्न हूँ। ये विपक्ष का आरोप है, विपक्ष का दावा है। आपने कहा विपक्ष का ये दावा है कि पेपर लीक होता है, पेपर लीक बराबर हो रहा है और बराबर चल रहा है, लेकिन आज तक जितना कार्रवाई पेपर लीक करने वालों के विरुद्ध, नकल माफियाओं के विरुद्ध वर्तमान सरकार ने लिया है, इतना सख्त कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। और उसके बाद युवाओं की मांग पर उन परीक्षाओं के समीक्षा अधिकारी की, पुलिस के पूरी परीक्षाओं को तुरंत रद्द किया गया, ये जनमानस युवाओं की सहभागिता के कारण, युवाओं के मांग के कारण किया गया। और नकल माफियाओं पर जितनी नकेल इस समय वर्तमान सरकार ने किया है, कोई भी जनता का युवा व्यक्ति ये नहीं कह रहा है कि ऐसा कार्य कभी हुआ हो। ये जो है अल्लाहपुर का जो है ये इलाका था और ये फूलपुर संसदीय क्षेत्र सीट में आता है,
और यहाँ पर हमने जो है बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो वोटर हैं, उनसे जानने की कोशिश की है। और छठे चरण का यहाँ पे मतदान होगा, जिसके बाद 4 जून को पता चलेगा कि किस राजनीतिक दल की उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में जो है सरकार बनने जा रही है। शेष यूपी के लिए प्रयागराज से पवन देव। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।